कबीर सपने रैण के भयो कड़े जे छे क्या बात दवे साहब जद सो जद दोए जना जद जागूं जब ए के प्रेणी ने मात दे के आपो दिखला रेण दिवस रो ओ दाजनो पिया महसूस यो नहीं जा प्रीतम प्रीत लगाय के तुम दूर देश मत जा बसो हमारी नगरी 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 पिया हम मांगे तुम खा सिमरदास जी एक बहुत ही ओजवाणी के स्वामी हुए उन्होंने इस ब्रणी के माध्यम से शब्दों के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही तो हरे प्रेणी बैठी पीर में हरे पियो बसे पद दे अरे खानी पानी सब त्यागी हो वो खानी पानी सब त्यागिया अरे त्यागिया वस्त्री भेसी पियाजी त्यागिया वस्त्री भेसी सजनी भरा अरे उदी में सर भरी थी सर भरती
बस्ती में सर भरती की बात है, दर्द की बात है, और इतनी वेदनाएं, इतने कष्ट, इतनी भक्ति, इतनी इबादत अगर कोई करे तो ये पद प्राप्त हो, तो उसके मन की वेदना क्या? बोले ए अरे धुनी धुके जू काल जो रे धुनी दुखे जो काल जो रे अरे पल जल गयो रे सरी मछली जू तड़पत फिरूंगो मछली जू तड़पत फिरूंगो अरे कद वेला सब दा सीरी पिया जी कद हो सी समंदर सीरी पिया जी अरे उगी में सरवर दी शरीर और मछली जो तड़पत फिरू मोर कद वेला समदा समदा सीर और अब जिन्होंने भक्ति की इबादत की उनको रात को नींद नहीं आती क्यों के सोवे कोई रोगी भोगी के सोवे के जागे कोई रोगी भोगी के जागे कोई चोर के जागे कोई भगत राम रो लागी राम सोई दूर दूर उन लोगों को बेचैनी रहती है निंद्रा नहीं आती है वो बहुत सहजे बात है ए अरे सूता नहीं आवे नींदड़ी सूता नहीं आवे अरे जागू तो नहीं रे सुहा हे
विशेष बात कह रहा हूं कि इस दर्द की लज्जत से वही वाकिफ होता है जिसने इस जीवन को जिया। बोले ओ अरे बेदर्दी पिया, दया नहीं आई बेदर्दी पिया, दया नहीं आई रे। अरे कया थे बीरी है लगा हे, अरे कयो चरणा रे मईरा किसु, ए कयो चरणा रे मईरा किसु, कयो चरणा रे मईरा किसु, अरे अति बीच दीवी छिटी काए सजन भरा, अति बीच दीवी छिटी काए पिया जी, अरे उगी में सर भरती गुरु के सामने, पीर के सामने, भगवान के सामने प्रस्तुत किया, कैसा स्वरूप? बोले ए अरे रूप स्वरूप आप रो रूप स्वरूप आप रो रे, अरे जोने झुर रही प्रेणी अने हो दासी आप
हो